पीडीसी मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. भाइयों, जैसा कि हमारे साथ जो है अरविंद जी जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत से लोग इन्हें जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनका जो है एक बार फिर से परिचय करवाते हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। जी किसान भाइयों नमस्कार, मैं अरविंद सिंह रामला सिंह एग्रो न्यू ऑलैंड ट्रैक्टर से, और हमारे पास जो यहाँ पे हैं संगरिया के जो टीलर हैं हमारे पास, और किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बहुत से किसान स्प्रिंगो वाला टीलर चलाते हैं और ये सोचते हैं कि यही टीलर अच्छा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने अभी ही संगरिया से भूर सिंह के टीलर मंगाए हैं, रामराज में हमारे पास हैं। और किसान भाइयों को मैं कहूँगा एक बार आके हमारे पास टीलरों को देखें और डेमो लें और चला के देखें, फिर पसंद करें। और मैं चलो टीलरों के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। जी किसान भाई, ये हमारा टीलर है जो इसकी आप टैन देख रहे हैं, इसके ध्यान से देखिए, टैन दिखाओ, जो इसकी टैन है भाई किसान भाई, टेपर मुड़ी हुई आती है। इससे क्या है कि हमारे जो ट्रैक्टर चलाता है इसको, ये हमारा 11 का टीलर है, 11 टैन का है ये ट्रैक्टर चलाता है। जो हमारा आम टीलर 9 टैन का आता है उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारे ट्रैक्टर को लोड देता है। 11 का टीलर ये देखने में भारी है, किसान सोचता भी बहुत भारी टीलर है ये, मैं कैसे लूँगा, कैसे मेरा ट्रैक्टर चलाएगा। तो हमें कहते हैं जो 42 HP का ट्रैक्टर है वो इसको बहुत आराम से नॉर्मली चलाता है। यानी कि अगर मेंटेनेंस की बात करें तो बिल्कुल ही जीरो मेंटेनेंस टीलर है, जैसे कि उनके अंदर जो है स्प्रिंग वगैरह खराब हो जाती है कुछ समय चलने के बाद, उनकी जो है टाइम्स वगैरह भी मुड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा कुछ हमारे टीलर में है नहीं है, बिना स्प्रिंग का है। और जो होता भी है, मान लिया हम जुताई कर रहे हैं खेत में, कुछ जड़ वगैरह आ जाती है तो उसके लिए एक बोल्ट दिया हुआ है, ये देखा हुआ बोल्ट टूटेगा तो ये बोल्ट टूटेगा, अन्यथा ये भी नहीं टूटेगा। वो भी कब कहीं हमारा टीलर अड़ जाता है, कुछ हो जाता, सिर्फ ये टूटेगा बस, और कोई मेंटेनेंस नहीं, बोल्ट चेंज करना है फिर जब अड़ेगा। जी जी, टेढ़ी नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, ये टैन की क्वालिटी है। तो अगर इसके अरविंद जी, अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसके अंदर कितने मॉडल आते हैं? इसके अंदर करीब करीब हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल हैं 2 मॉडल हैं। हाँ, एक टॉप मॉडल में है, ये जो टीलर है हमारा टॉप मॉडल में है, और एक बेस मॉडल में है पीछे। हाँ, 2 मॉडल आते हैं। और देखो ये जोड़ने की क्वालिटी जो अलग से पिन दी हुई है इसमें, जिस तरीके का रूटरवेटर में होता है उस तरीके का इसके अंदर वही है, इसके अंदर दी हुई है। और एडजस्टेबल करने के ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग, बहुत से ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा भाई, ये अलग से आता है, जो इंडियन में अलग चलता है, हॉलैंड में अलग चलता है, ट्रैक्टर की ऊंचाई के अकॉर्डिंग, कंट्रोल के अकॉर्डिंग, सेंसिंग जो ट्रैक्टर अच्छे से कर पाए उसके लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डबल इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप फ्रेम भी अगर देखते हैं इसका तो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसका फ्रेम बनाया गया है। साथ में अगर आप देखते हैं तो बोहर की बैजिंग भी इसके ऊपर दी गई है, और इसका साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो जो आपके आम टाइम के कल्टीवेटर आते हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसका जो है फ्रेम बनाया गया है। और ये इसका टॉप मॉडल वेरियंट है, और इसके पीछे आप देख रहे हैं वो इसका बेस मॉडल वेरियंट है। इसके पीछे आ जाते हैं जी, देखो मैं आपको दिखाऊँ, हम यानी कि मैडा जोड़ते हैं। जी जी, मैडे के लिए अलग से कुंडे दिए हुए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बांध लिया या बांध, नहीं 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 नहीं, अलग से कुंडे दिए हुए हैं मैडे के अंदर, या हैरो ले जानी है हमने, या हैरो इसमें डाल के हैरो भी ले जा सकते हैं इसके पीछे बांध के, इनके 2 एप्लीमेंट ले जा सकते हैं टीलर के पीछे हम, कोई बुग्गी ले जानी है हमें खेत में वो भी लगा सकते हैं इसके पीछे, यानी कि चाला का छोटी बुग्गी होती है, चारा लाना खेत में से उठा के, प्लस अपना काम किया वो छोटी बुग्गी पीछे डाल ली इसके, तो अपना चारा भी ले आए। जी तो अरविंद जी, अगर इसकी कीमत की बात करें तो लगभग आप दोनों की कीमत भी आप किसान भाइयों को बता दीजिए। देखो जो हमारा ये 11 का टीलर है इसको हम 28,500 का छोड़ते हैं।
28,500 इसमें जो वजन है 3 क्विंटल 65 किलो वजन है जी। 3 क्विंटल 65 किलो है और जो हमारा ये नो टेन का है इसको हम 23,500 का छोड़ते हैं। फीचर्स दोनों में सेम है हाँ, बस वो चौकोर एंगल में है, ये त्रिकोण एंगल में है और पीछे बिल्कुल मैडा डालने के दोनों में है, बुग्गी ले जाने का भी है। टेन जो है बिल्कुल सेम है छोटा से। बात करें तो फ्रेम में इसके चेंज है, बस फ्रेम उसका थोड़ा है और ज़्यादा हैवी ड्यूटी है और इसका थोड़ा हल्का है उसके मुकाबले। तो किसान भाइयों आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर टाइन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। 11 टाइन के कल्टीवेटर भी आप यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से आप जो है 9 टाइन के कल्टीवेटर भी ले सकते हैं। पहले हमारे हल चलते थे हल, देसी हल बैलों वाले, करीब सभी जानते हैं उस हल को, उसकी जुताई की बात अलग ही थी। इसके लिए हमने तैयार किया है तोता हल जी। आप देखेंगे तोता हल, और ये है हमारा 7 टैन का है जी। 4-3 7 टैन का है तो इसको हमारा 55 HP से लेके 65 HP तक का ट्रैक्टर चलाता है जी जी। बिल्कुल वही हल वाली जुताई देता है। तो इसके अगर जैसे बेनिफिट की बात करें तो जैसे पहले हल चलते थे बिल्कुल, वही ये काम करेगा जो आप ट्रैक्टर के पीछे चला सकते हैं। पीछे दो सिस्टम ये भी है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं फाले खोल के, गन्ना जोतने वाला भी इसको कर सकते हैं, हम इससे गन्ने की जुताई भी कर सकते हैं जी जी जी। यानी कि एक तरीके से मल्टीपर्पज़ काम भी हम इससे ले सकते हैं। मल्टीपर्पज़ काम भी हम इसको कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे भी वो सब कुंडे वगैरह दिए हुए हैं जी जी जी। तो अरविंद जी अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी भी क्या आप कीमत जो है बता दीजिए। इसकी कीमत का करीब करीब 49,000 रुपये है इसकी कीमत जी जी। 48-49,000 रुपये के बीच में हम इसको छोड़ते हैं जी जी जी। जी इसकी बात करें तो मैं बात करता हूँ किसान भाइयों से कि हमारा पलटू हल है जी जी जी, जो मिट्टी पलटता है जी। अब जैसे कि तराई क्षेत्र में बहुत खेतों में घास हो जाती है, झुंड वगैरह कांस हो जाती है, उन खेतों को हैरो काबू नहीं कर पाती है, तो एक बार इसको हम उसमें चलाते हैं खेत को, जो मिट्टी होती है उसको पलट देता है ये, यानी कि करीब करीब उसके जो खरपतवार है वो नीचे चली जाती है और उपजाऊ मिट्टी वो दोबारा से ऊपर दोबारा जाती है। और आपने ये भी देखा होगा गवर्नमेंट ने कर दिया है हम अवशेष नहीं जला सकते हैं, खेत में पत्ती नहीं फूंक सकते हैं और पुराली नहीं जला सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसको हम चला सकते हैं खेत में, जो पत्ती या पुराली होती है उसको दाब देता है, उसके बाद में हैरो चला सकते हैं ऊपर और फिर जुताई कर सकते हैं खेत की जी जी। तो इसकी कीमत की बात करें तो अरविंद जी इसकी भी आप जो है कीमत बता दीजिए। देखो जो इसका प्राइस है ये हमारा 3 वाला है, इसकी जो प्राइस है हम 38,000 यानी 38,000 रुपये लेते हैं जी। 38,000 रुपये इसकी जो है कीमत है जी जी। तो अरविंद जी अगर बात करें इस वाले प्लाव की तो इसमें और उसमें क्या चेंजेस हैं। देखो ऐसा ये थोड़ा से हैवी हो जाता है, कुछ गहराई भी ज़्यादा देता है जी जी। और थोड़ा हैवी भी है, इसको हमारा जो ट्रैक्टर है ये 65 HP से लेकर 75 HP के बीच में इसको चलाता है जी। जो देखो सही चलाता है, चलाने को तो 55 HP भी चलाता है लेकिन जो सही चलाएगा ये 65 से 75 HP इसको चलाएगा जी जी। हाँ तो अरविंद जी अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी लगभग आप प्राइस इसकी भी बता दीजिए। इसकी प्राइस हम बात करें इसके बारे में हम इसको 48,000 रुपये समथिंग 47 से 48 अराउंड में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। किसान लेने आएगा तो कोई नहीं दे देते हैं, देखो एक बताने की बात अलग होती है, लेने आता तो उसमें हो जाता है सौदा जी जी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो किसान भाइयों अगर आप इम्प्लीमेंट यहाँ से खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है भोर के हैवी ड्यूटी इम्प्लीमेंट यहाँ से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और अरविंद जी आपको जो है एक बार फिर से एड्रेस कन्फर्म करवा देते हैं और एक बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे तो डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं जी। किसान भाइयों ये हमारा जो एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ कस्बा रामराज, ये मेरठ से बिजनौर रोड पे पड़ता है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो वो भी आप जो है किसान भाइयों को बता दीजिए। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर ले लो 9634-43-30-40 हाँ, और एक कॉन्टैक्ट नंबर है 8941-0410 जी। तो किसान भाइयों ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं तो यहाँ से आप जो है विजिट डायरेक्टली भी कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके इनसे जो है फ़ोन से भी संपर्क आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इम्प्लीमेंट आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार। अब तक यह वीडियो आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टैक पर देख रहे थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।